बस्तर में लंबे समय से रसोईया कर्मचारी संघ की हड़ताल जारी है। वहीं शुक्रवार को संघ के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हुए और 4 किलोमीटर लंबी रैली निकाली, जिसमें करीब 12,000 की संख्या में लोग शामिल हुए। बता दें कि रसोईया संघ लगातार अपने मिड डे मील की मांगों को लेकर डटे हुए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस रैली से शहर के सभी मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, वहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम लोग का हड़ताल पिछले 4 तारीख से हम लोग का हड़ताल चालू है और आज 20 दिन हो गया और 20 दिन हम लोग का मांग को आज तक सरकार के सामने में हम जो 4 मांग को लेके रखे हैं वो आज तक हमारा सरकार हमारा मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास आके कुछ आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं। दुख इस बात की है आज हमारे गरीब रसोईया जितने भी हम भाई बहन हैं यहाँ 20 दिन से 4 तारीख से लेके आज तक हम लोग यहाँ धरना धर के बैठे हैं।